रानी कहिए पियाजी, आज तुम्हें एक बहुत खुशी का संदेश देना चाहता हूँ। कौन सा संदेश है? संदेश ये है कि हमारे 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास 13 साल पूरे हो गए। अच्छा, और अब जो कल्याण के दिन थे वो खत्म और खुशी के दिन तेरे जीवन में आने वाले हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और एक और एक खुशी। कौन सी खुशी? की जो तुम्हारा बेटा अभिमन्यु है। हाँ, वो अब सियाना हो गया। बिल्कुल। और जब बेटा बेटी सियाना हो जाए तो समय पे उनका ब्याह शादी सगाई कर देना चाहिए। हाँ। इसलिए हम अभिमन्यु का रिश्ता हमने पक्का करने जा रहे हैं। मुझसे बिना पूछे मैं तुमसे सलाह लेने के लिए इसीलिए आया हूँ। आखिरकार मुझे भी तो पता चले कि जिस लड़की के साथ तुम मेरे बेटे का रिश्ता पक्का करने जा रहे हो वो कौन है, किसकी लड़की है, क्या नाम है उस लड़की का। सारी बात बता दूंगा, लेकिन अभिमन्यु की सगाई और ब्याह हो जाए तब तो राजी तो है ना। बिल्कुल राजी नहीं हूँ। तुम्हारे बेटे का ब्याह हो जाएगा क्या तुम्हारे को खुशी नहीं होनी चाहिए? नहीं, कोई खुशी नहीं है मुझे जब तक मेरे बेइज्जती का बदला उन कैरों से नहीं लोगे ना, जब तक मेरे ये सिर का जूड़ा उन कैरों के खून में नहीं धोएगा, जब तक कोई भी खुशी नहीं बनने दूंगी। अच्छा, हाँ, मेरी बात सुनो। पहले सुनाइए अपनी बात। सुनिए मेरी बात। राजकार
की 13 साल इतने आसानी से पूरे हो जाए, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से 13 साल पूरे हो गए। और हमें तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि इस हालत में हमारे बेटे की सगाई एक राजा की बेटी से हो जाएगी। राजा की बेटी हमारे बेटे की दादी पर कर दिया जाएगी। और जब तो इस ब्याह की हाँ कर देगी तो तेरा भाई और कृष्ण कन्हैया भौती बन करके आएगा। क्यों मेरे जख्मों पे नमक गिर रहे हो? तेरे जख्मों पर नमक गिर दिया? हाँ, बेटे के ब्याह का जिक्र कर दिया तो जख्मों पर नमक गिर दिया। क्या कहा तुमने कि कहीं आएगा? ब्याह में तेरा भाई भाती बन करके आएगा तो ये भी तेरे जख्मों पर नमक डाल दिया? हाँ। क्यों? क्योंकि उस कन्हैया का मेरे सामने नाम मत लेना। क्या तेरा भाई नहीं है? मेरा भाई नहीं है वो। किसका भाई है? अगर मेरा इस दुनिया में कोई दुश्मन है ना, हाँ, तो सबसे बड़ा वो कन्हैया है मेरा। यानी एक बहन का अगर दुश्मन है दुनिया में तो उसका खास भाई है कन्हैया। वो भी द्वार का भीष कृष्ण कन्हैया। मेरे सामने उसका नाम मत लेना। क्यों? तुम तो भात लेने की बात करते हो, मैं उसकी शिकल भी देखना नहीं चाहती। तेरा भाई कन्हैया ने तेरा क्या बिगाड़ दिया? उसने मेरे साथ वो किया है जो किसी के साथ नहीं कर सकता। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वो तो धर्म की विजय करता है। किया है उसने मेरे साथ वो अन्याय। क्या किया है? तुम्हें सब पता है, जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश। क्या किया? तेरे कौन से चीर चुरा लिए उसने बता? वो मेरे चीर चुराएगा कैसे, उसकी इतनी हिम्मत? आखिरकार कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ, सुन ले जरा मेरी बात। अपने भैया के घर में बैठ के खूब बात कर लिए, खूब लड़ाई कर लिए, खूब होली सोली बोल लिए, लेकिन एक बार ब्याह की मेरे तो तू ब्याह की हाँ कर दे। कोई बात नहीं, कराना चलो तो मेरे मेरे ले ले। उस कन्हैया का नाम मत ले देना मेरे सामने। चाहे कोई कहे घनश्याम, और तू अपने आप को महारथी कहता है। महारथी था, महारथी हूं। तू काहे का महारथी, तेरी तीर कहते हो कि राजा वैराट कन्यादान में राज देगा, राजा की बेटी घनी दांत मिलेगी तुम्हें, राजा की बेटी तेरे बेटे की बहली बन जाएगी। अच्छा, तुए के कमली अधिकारी की संतान नहीं बन गई, राजा की संतान बन जाएगी। आज तक कुछ कमा के तो खाया नहीं, दूसरे के माल पे नजर रहती है तेरी। अरे कौन बात?
अपने इज्जत तक मैं अपनी बेटी की शादी करके पूरा पूरा जोर लगाऊं, पूरा पूरा दान और दहेज दूं। लेना 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 सीखा है, कम से कम किसी को देना भी सीख। कुछ है तेरे पास देने के लिए? देने की बारी आएगी तो दे देंगे, अभी तो लेने की बारी है। तेरे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, देगा तो जब। अच्छा, हिजड़ा है, हिजड़ा ही बन के रहे। पहली बात तो कुछ है नहीं, पर आवे तो तू अन्न दे। कैसे? अरे राजा की बेटी रानी बनकर के आ जाएगी हमारे बेटे। और हो सकता है कि तुझे एक दुख है कि 13 साल हमने घर बदर की ठोकर खाई, हमारे पास रहने के लिए कोई घर मकान नहीं है। राजा जब शादी करेगा तो हो सकता है कि खुश होकर आधा राज भी कन्या दान में दे दे। अच्छा। तो रहने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। हाँ, कमाना ना पड़ जाए, कमा के घर बनाना ना पड़ जाए तुम्हें। मैं तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होने दूंगी। यहाँ क्या करें कि सरकार तेल दे तो पुल्ले में ले। जब राजा देगा तो हमें लेने में क्या तेरा, तेरा पल्ला ही काटूंगी, क्या चीज से रुक जाती। अच्छा, पराया देश है, यहाँ कोई हमारा हिमाती नहीं है। हिमाती कोई हो या ना हो, हाँ। जब तक मेरी बेइज्जती का बदला नहीं लोगे ना, जब तक मेरे सिर के बाल और कैरों के खून में नहीं धोएंगे, जब तक कोई ब्याह शादी नहीं होगी। किस बात की बेइज्जती? बेइज्जती की है उन कैरों ने मेरी सुबह। जो कर रही के 13 साल थे वो पूरे हो गए। अच्छा। और पुरानी बातों को घर न रोकती सुबह की बात नहीं। जब तक पुराने भाव नहीं भरेंगे, जब तक कोई खुशी नहीं होगी। पुराने भाव भी तेरे दिए हुए हैं। अच्छा, मेरे हमें भाव दिए जो तूने दिए हैं। वो कैसे दिए? और तेरे को भाव दिए जो तूने दिए हैं। कैसे? दुर्योधन को नाम दे कांधा कहती, दुर्योधन को नाम दे कांधा कहती, तो ना तो जुए का खेल जाया जाता, ना हमें हराया जाता, ना हमें 13 साल का बनवास मिलता। मैंने कोई गलत नहीं कहा, मैंने कोई गलत नहीं कहा, और मैंने अंधे का अंधा कह भी दिया तो मैंने नहीं कहा तुमसे कि तुम जाके जुआ खेलो और जुआ तो खेलो। मैंने ये नहीं कहा तुमसे तुम अपने आप को भी हार जाओ। मैंने ये नहीं कहा तुमसे कि तुम मुझे भी हार जाओ। हाँ, मैंने तेरे से ये कहा था कि अपने फूफा ने अंधे का अंधा कह दे। तो मैंने कोई गलत नहीं कहा, अंधे का अंधा अंधा है तो अंधा ही कहा जाएगा। अच्छा, सुन ले मेरी बात। अंधे के कारण भुगत लिए परिणाम आ गया। मेरी तेरे भूरो भाग, इतने जुड़ा नहीं बंधेगा, थारे ब्याह में दे दो आग, इतने जुड़ा नहीं बंधेगा, थारे ब्याह में दे दो आग। किसी ने ठीक कहा कि नार नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं रसरंगी है, रसरंगी नहीं सतरंगी है, सतरंगी नहीं दसरंगी है। ढकले पर सारे कुल को ढकले, वरना नकली की रोटी है लेकिन रोटी। हाँ, बीज का लिखा काहे को फला दिया दान, पहलम जुड़ा बंधवाऊं तेरा अपनी उठा कल्याऊं बाण, पहलम जुड़ा बंधवाऊं तेरा अपनी उठा कल्याऊं बाण, हर में तू सभी रेशिका हो गोरी झगड़ा है।
तलक हार थी पर आगे आगे मारी जीत अभिमन्यु बेटे के ब्याह में तू राजी हो सका ले गीत अभिमन्यु बेटे के ब्याह में तू राजी हो सका ले गीत हरी पूरी हो जा सुन ले खुशी होती है।